वोटिंग से दो दिन पहले सिमरिया में घमासान आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट का मामला आया सामने। कांग्रेस प्रत्याशी ने किया थाने का घेराव। आपको बता दें कि थाने पहुंचे सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस समर्थक कार्रवाई की कर रहे मांग। कांग्रेस प्रत्याशी भी धरने पर बैठ गए हैं। विश्वविद्यालय थाने में गहमागहमी का माहौल व्याप्त है। अभय मिश्रा ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की वोटिंग से मात्र दो दिन पहले रीवा जिले की आदिवासी महिला जिला पंचायत सदस्य से मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 4 की सदस्य सुंदरिया आदिवासी के साथ प्रचार प्रसार के दौरान मारपीट का आरोप लगा है। महिला सिमरिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा का प्रचार कर रही थी। आरोप है कि इस दौरान विपक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया है। बता दें कि बिना नंबर के वाहन से पहले तो स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया गया और इसका रोकने के बाद मारपीट की गई है। बारह कोठार से चले वापस चले जा रहे हैं घर का कि अब चला चली घर जब गए माँ बाईपास थोड़े का दूर रही है नक्चा गए तब उन ठेक ठे सफेद सफेद गाड़ी ला के ड्राइवर के हमारे आगे लगा दिन गाड़ी और फिर ओमा से डंडा लाठी निकाल के हाँ की राट कहन की मही सुंदर यही मारा माता हाँ मारे लागे जब मारे लागे तो हम पंचे कहनी कैसे मारे लागे भाई का बात ही कुछ तो गलती नहीं कि मारे कैसा लागे वही क्या मारे लागे वो सुनते नहीं रहे कहो के एकदम मारत रहे मारे एंठे डंडा लागे एंठे नीचे रहे भाई के तीन लोग रहे धीरू मनीष अनिरू तीन जन रहे मनीष शुक्ला हाँ के पी त्रिपाठी के लागत भाई आए हाँ सिमरिया विधायक भाई जी जी क्यों मार रहे विवाद क्या था कहीं प्रचार करे उठी है कहे आए घर की ओर जा रहे थे मसियार सिमरिया के पास है तो एक सफ़ेद कलर की बुलेरो वही बिना नंबर की नई गाड़ी थी वो गाड़ी ओवरटेक करके सामने लगा दिए और चार आदमी उतरे जिसमें दो आदमी मुंह बांधे हुए थे और दो आदमी और थे जिनको हम लोग नहीं पहचानते हैं। उनमें से एक आदमी बोल रहा था कि सिद्धू भैया सुंदरिया है कहीं सुंदरिया का हमारा मत वो लोग ऐसा बोल रहे थे। एक उसमें से नीरू त्रिपाठी का नाम ले रहा था और वो आए हाकी और कुछ एक आध धरदार हथियार लिए हुए थे उससे गाड़ी को कांच फोड़े। मैं सीट में आगे बैठा हुआ था और ये उसके बगल में बैठा हुआ था बीच में। वो बोला सुंदरिया इधर है और आके उसको हाकी से गुच्चा करके सीट कांच फोड़ दिया गाड़ी का और उसको बहुत कम से कम 20 बार मतलब गुच्चे से उसको मारे। वो पूरी तरह बेहोश है। मनोज शुक्ला इन्होंने सुबह आपको फ़ोन किया कि मेरी आंख फोड़ दी मुझे इतना मारा ये तो हमने कहा कि मैं चुनाव में बहुत व्यस्त हूँ मेरे पास 7 श्रेणी फुर्सत नहीं है मनोज भाई पुलिस के पास चले जाओ। इन्होंने FIR दर्ज कराई इनके आँख में चोट। किसने मारा? सिद्धू शुक्ला मनीष चंद शुक्ला उर्फ सिद्धू और ये FIR में नाम भी सनी चतुर्वेदी और ओंकार पांडे। चलिए अब अपन लोग प्रचार कर रहे थे अब इतने रास्ते में फोन आया कि सुंदरिया बहुत नाजुक है उसके ऊपर हमला हो गया। तब नहीं मालूम पड़ा कि हमला कहाँ हो गया कैसे हो गया लगा कि एक्सीडेंट हो गया क्या हो गया नहीं मालूम। दौड़ते हुए यूनिवर्सिटी थाना है तो अब जो है तो सामने सुबह भी इसके साथ मारपीट हुई मनोज जी के साथ ये कांग्रेस ज्वाइन कर लिए तब से धमकी मिल रही थी आज इनकी आंख फोड़ दी FIR लिए घूम रहे हैं कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। तीन दिन पहले दादर में घर में आग लगा दी FIR हुई कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक अभी दो घटनाएं और रगौली में हुई कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इसकी FIR जब तक नहीं होगी और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी दोनों की कल यहाँ पूरे ज़िले का कोल समाज और कांग्रेस पार्टी यहाँ इकट्ठा होगी। रीवा में ये होगा चुनाव बाद में देखा जाएगा जीतेंगे हारेंगे छोड़ो। रात में अभी तक धरना देंगे पूरे रात धरना देंगे पूरा हमारे क्षेत्र का आदमी आ रहा है पूरा कोल समाज आ रहा है पूरा सामान समाज आ रहा है हम लोग पूरे रीवा में केवल अब इसका जब तक फाइनल नहीं होगा उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। कोई जिम्मेदार अधिकारी आया अभी तक? कुछ नहीं आया इतना दबाव है तो एक तरफा आदिवासियों पे कहीं पेशाब किया जा रहा है कभी उसको पिटाई की जा रही है आदिवासी की तो दुर्दशा कर डाली सरकारी प्रशासन।
सरकार की शासन के इशारे पे मैंने प्रशासन आदिवासियों को तो जीना मुश्किल किया। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच मचा घमासान, एक दूसरे के खिलाफ थाने में दे दिया धरना। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के दबाव में पुलिस ने की है गलत FIR। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा बनाम कांग्रेस के बीच घमासान चुनाव से पहले ही देखने को मिल रहा है। 17 नवम्बर को वोटिंग होनी है, इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ थाने में धरना देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने आदिवासी महिला के साथ मारपीट का आरोप लगाया और फिर FIR दर्ज कराने को लेकर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आधी रात तक यह घटनाक्रम चलता रहा, लेकिन जैसे ही FIR दर्ज होने की बात भाजपा प्रत्याशी को चली, वे अपने समर्थकों के साथ विश्वविद्यालय थाना पहुंच गए और एक बार फिर हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। भाजपा प्रत्याशी KP त्रिपाठी ने कहा कि बिना जांच के फिर कैसे दर्ज कर ली गई FIR। विश्वविद्यालय थाने में रात भर यह मामला चलता रहा। आपको बता दें कि 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन इसके पहले सिमरिया विधानसभा के दोनों प्रत्याशियों के बीच पहले से ही घमासान की स्थिति निर्मित है। चुनाव चल रहे हैं, हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति इतना षड्यंत्रकारी है कि आज उसने एक आदिवासी महिला को आगे करके एक फर्जी घटनाक्रम बनाने का काम किया और थाने में आकर दबाव बनाकर उसको लिटाकर, जिस महिला ने पहले भी एक एक्सीडेंट हो जाने पर हमारा नाम लिया था कि हमने उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया, और उस महिला को मोहरा बनाकर आज हमारे दो लोगों के ऊपर FIR कराने का काम किया, जिससे उनको आदिवासी वोटों पर सैंपथी मिल सके। आशीष शुक्ला है, उनके साथ मारपीट हुई है और उनको रोक करके प्रचार न करने के लिए धमकाया गया है। इस सूचना पर भी मुकदमा कायम किया गया है। दोनों प्रकरण में पंजीबद्ध है, गंभीरता से उसकी विवेचना की जाएगी।